चक्रवात आएगा, चक्रवात आएगा, यहाँ चक्रवात आने वाला है। क्या चक्रवात आने वाला है? लेकिन आसमान तो साफ है, चक्रवात कैसे आएगा? सब लोग भाग जाओ, यहाँ चक्रवात आने वाला है। ये बच्चा क्या बात कर रहा है? भाग जाओ, भाग जाओ। ये कैसे हुआ? सच में चक्रवात आया जैसा उसने कहा था? मेरा नाम है बिंबिसारा और मैं मगध साम्राज्य का राजा हूँ। चक्रवात आने की भविष्यवाणी तुमने ही की थी ना? आपको मुझसे क्या जानना है? मेरा भविष्य। आप मारे जाने वाले हो। ए लड़के, जवान सवाल के बात कर। क्या बोल रहा है तू? तुम्हें इस बात के लिए मारा भी जा सकता है। रुक जाओ। मेरी मौत का जिम्मेदार कौन होगा? आपके बेटे के द्वारा। हाँ? 30 साल में आपका बेटा आपको अपने हाथों से मारेगा। इसके लिए आपके बेटे को सजा भी मिलेगी। ये बात है तो अब तुम अपनी भविष्यवाणी सुनो। मेरे बस 3 गिनते ही तुम अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। ये बच्चे को क्या तो हो? क्या तुम तैयार हो? एक और 3। इतना बड़ा था। ये सच में भविष्य बता सकता है। मैं यहाँ नहीं मरने वाला हूँ। क्या तुम अपनी मृत्यु के बारे में भी बता सकती हो? हाँ, मेरी मृत्यु 4 साल 4 महीना 4 दिन उसके पश्चात होने वाली है। अब मैं जाता हूँ। जानवर, क्या ऐसी भविष्यवाणी की गई है? हाँ। इतनी दर्दनाक मृत्यु। भविष्यवाणी जो भी हो, तुम मेरे अच्छे दोस्त हो और मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जरा देखो तो। असा जी, साजी, आज भविष्यवाणी वाली पूर्णिमा है। मुझे विश्वास नहीं होता कि ये आज रात मर जाएगा। अब तो मैं कुछ नहीं होने दूंगा। असा जी, असा जी, बेचारे जानवर, मुझे लगता है कि सबका पेट भरना पड़ेगा। तुम्हें भूख लगी है ना? अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारा पेट भरूंगा।
Ah!